हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं व्रत में बनने वाली रेसिपी जो फलहारी लोग बना के इस नाश्ते को खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। साबुदाने को अच्छे से आप भिगो लें, इसे बहुत ही टेस्टी बनाएं। जब किसी भी टाइम आपको भूख लगे तो इस नाश्ते को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आधा कप साबुदाना। साबुदाना को हमने अच्छे से रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया है। ये आसानी से फूल जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने इसका पानी निकाल के रख दिया। अब लेना है हमें एक बाउल। बाउल में यहाँ पे ले लिए हैं दो पीस उबला हुआ आलू। आलू को अच्छे से हम ग्रेटर से ग्रेट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो आलू को हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है, आपका नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनता है। तो चलिए, अब हमें डाल देना है आलू में साबुदाना। साबुदाना की क्वांटिटी आप आलू से ज़्यादा रखें, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे दो तीन हरी मिर्ची को हमने अच्छे से बारीक कट के डाल दिया है। एक टुकड़ा अदरक को भी बारीक कट के डाल दिया है। साथ में डाल देते हैं हरी धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है। आधी चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खड़ा जीरा, व्रत में खाया जा सकता है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दो चम्मच हम डाल देते हैं दही। दही के जगह पे आप इसमें आधा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं या दो तीन चम्मच पानी को भी डाल सकते हैं। इस तरह से मिला लें चम्मच से। अब ये चम्मच से तो बनेगा नहीं, यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। नमक को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, अब चम्मच को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स करके रख लिया है। तो चलिए, अब हाथ को धुल लेते हैं, फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तेल जैसे गरम हो गए, हमने छोटे छोटे साइज का यहाँ पे बढ़िया को तोड़ देना है। बहुत बड़े बड़े साइज का ना डालें, नहीं तो ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा रहता है। छोटे छोटे साइज का अगर डालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और झटपट बन के तैयार भी होता है। तो इसे दो मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं मध्यम आँच में, और फिर इसकी साइज को पलट देते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की साइज गोल्डन हो गया है। अब इसे हम पलटते हुए इसे हल्का गोल्डन तक सेक लेंगे ताकि ये आसानी से सिक भी जाए और कच्चा भी ना रहे। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो समझ लीजिए आपकी जो नाश्ता है वो कुरकुरी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। तो इसे हम उलट पलट के इसे सेक लेंगे। और ये व्रत में आप चाय के साथ किसी भी टाइम बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और मन बिल्कुल चटपटा सा हो जाएगा। तो ज़रूर से इस नाश्ते को एक बार ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनी थी पकौड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे निकालना है एक छन्नी में। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेकें, नहीं तो ऊपर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो मध्यम आंच में इसे गोल्डन तक सेक लेना है। साबुदाना होने के कारण ये बहुत ही आपस में चिपकने लगता है, तो थोड़ा दूर दूर ही डालें और इसे लगातार थोड़ा सा घुमा घुमा के सेकते रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसे निकाल लेना है हमें एक छन्नी में। छन्नी में निकालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप छान के नहीं पसंद कर सकते हैं तो इसे टिक्की बना के तावा पे भी कम तेल में भी सेक सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बनके तैयार होता है। तो मैंने लगभग सारे नाश्ते को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरा और खनखन बनी थी। मैं यहाँ पे दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अगर व्रत में नहीं खा रहे हैं तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरा बना था। तो आज की अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब